नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड आज आपको ले चल रहा है मकर संक्रांति के मेले में, जो आयोजित किया जाता है रानीबाग में। यह नैनीताल ज़िले में स्थित है उत्तराखंड के। दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आगे आपको वीडियो में दे रहा हूँ। आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर होने वाली है, तो जुड़े रहे देवभूमि उत्तराखंड के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति और मंदिरों के बारे में और बारीकी से जान सकें। दोस्तों, आज हम हैं उत्तराखंड के रानीबाग में। यह नैनीताल ज़िले में स्थित है। रानीबाग हल्द्वानी शहर से जो है 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर स्थित है दोस्तों, जो नैनीताल हाईवे पर कनेक्ट करता है, उसी पर है। दोस्तों, थोड़ा अब हम रानीबाग के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के क्यों इस भूमि को इतना पावन माना गया है उसके बारे में जान लेते हैं, क्यों यहाँ पे मकर संक्रांति का जो मेला है वो आयोजित होता है उसके बारे में जान लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि रही थी। रानीबाग के समीप पुष्पाभद्रा और गंगाचल नाम की जो छोटी नदियों का संगम है, इस स्थान के बाद इन दो नदियों के संगम के बाद ही इस नदी को गौला नदी के नाम से हम जानते हैं। और कहते हैं कि दाहिने तट पर चित्तेश्वर मंदिर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर मकर संक्रांति, जो मैंने बताया कि उस दिन एक बड़े मेले का आयोजन होता है, तो इस तरह से दोस्तों इसकी जो इतिहास है रानीबाग का, इसलिए यहाँ मेले का आयोजन होता है। और दूसरी खास चीज़ जो दोस्तों इसमें जो है, वो कहते हैं कि जिसे जिया रानी का मेला भी के नाम से भी जानते हैं हम, उस दिन जो मेला लगता है उसे जिया रानी के मेले के बारे में भी जानते हैं। माता जिया की यहाँ से जुड़ी हुई काफ़ी कहानियाँ आपने अगर सुनी हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुनी है तो देवभूमि उत्तराखंड अगली वीडियो में आप लोगों को माँ जिया रानी के पूरे इतिहास के बारे में बताएगा। इस जगह पर जो आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं, ये कहा जाता है कि इसी पत्थर पर, इसी जो घाघरे के आकार का ये पत्थर है, घाघरे के अलग अलग पत्थर में आपको अलग अलग रंग दिख जाएगा, इस तरह का ये घाघरे में समा गई थी माँ जिया रानी, तो इसीलिए इसकी महानता बहुत बड़ी बताई गई है। उसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा पूरे जिया रानी के इतिहास के बारे में, क्या इस जो शिला है यहाँ पे, जो एक पत्थर है जो घाघरे के आकार का है, जो कुमाऊनी घाघरा होता है, जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो हमारा पहनावा है, उसके बारे में पूरी जानकारी और साथ में जिया रानी के बारे में पूरी जानकारी, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, इस स्थान पर स्नान करने के बाद, इन दो नदियों के संगम पर स्नान करने के बाद और साथ में माँ जिया रानी के दर्शन करने के बाद, अब हम आ गए हैं ऊपर मंदिर में, जो मुख्य मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी आपको ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जिनको देख सकते हैं आप, अलग अलग मंदिर हैं। यहाँ भगवान शिव को समर्पित चित्तेश्वर महादेव के नाम से एक प्रसिद्ध मंदिर है, साथ में शनिदेव का एक प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर है, उसकी पूरी वीडियो आप आगे देख रहे हैं। ये प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, यह शक्तिपीठ है, चित्तेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शिव की जो प्रतिमा है वह नाग रूप में विद्यमान है, जैसे आपने बागनाथ मंदिर में जैसे विद्यमान है वैसे ही यहाँ पे भी विद्यमान है। उसकी वीडियो, बागनाथ मंदिर की वीडियो भी मैंने आपको दी है, साथ में थोड़ा ऊपर पर आपको भैरव देवता का यह प्रसिद्ध मंदिर मिल जाएगा। दोस्तों, इस दिन खास यही होता है, जो मांस चावल होते हैं उनका ज़्यादा यूज होता है मकर संक्रांति के इस मेले में, और साथ में माँ जिया रानी की पूजा होती है, और जनेऊ संस्कार जो हमारे उत्तराखंड और साथ में हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, प्रसिद्ध एक संस्कार है, वह आयोजित होता है, उस दिन आप कर सकते हैं। यह बहुत पावन पर्व माना जाता है मकर संक्रांति के दिन इस तरह के कार्यक्रमों के लिए। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये जो हम जहाँ स्नान किया उसके बाद हम ऊपर आ गए हैं, ऊपर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो नीचे जहाँ जनेऊ संस्कार हो रहा है और ये भैरव देवता की प्रतिमा स्थापित है यहाँ पे, देख पा रहे होंगे आप। और जो मांस चावल कहा हमने, कि मांस चावल हमेशा भैरव देवता की खिचड़ी के रूप में उन्हें चढ़ाया जाता है, इसके बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो उसकी भी वीडियो देवभूमि उत्तराखंड ने आपको दी हुई है पूरी, की भैरव देवता कैसे पूजे जाते हैं। और आप देख पा रहे हैं जिया रानी की जो गुफा है, मुख्य गुफा जो है
वह आप देख पा रहे हैं, और साथ में जो जिया रानी की पूजा पद्धति है वह भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा तो आपको इस वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा जिया रानी के बारे में, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी होगी, उसमें पूरी जानकारी जिया रानी के बारे में आपको देवभूमि उत्तराखंड देगा। ये पूजा पद्धति जो हमारे उत्तराखंड में जागर पूजा होती है, कई लोग इस तरह को ऐसे भी देखते हैं कि वो सोचते हैं कि जिस तरह के कपड़े पहने तो इस तरह देवी का समावेश कैसे हो सकता है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, कपड़ों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मन साफ जिन व्यक्तियों का होता है ऐसा माना जाता है कि उनमें ही जो दिव्य शक्ति समावेश होती है, चाहे वो किसी भी कपड़ों में हो, किन्हीं भी कोई भी कपड़े उसने धारण किया हो, बस मन साफ होना चाहिए तो इस तरह से दिव्य शक्ति का जो समावेश है वो होता है, उसकी वो देख पा रहे हैं आप स्क्रीन में। और देवभूमि उत्तराखंड आपको जागर पूजा जो हमारी है उसी से जुड़ता हुआ यह है दोस्तों। आप माँ जिया रानी की पूजा का आनंद लीजिए। दोस्तों इस तरह से माँ जिया रानी की पूजा पद्धति है, उसके बारे में देवभूमि उत्तराखंड ने आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश की है। और अब दोस्तों हमने दो मंदिरों के दर्शन किए, तीन मंदिरों के दर्शन कर लिए, भैरव देवता के कर लिए और पौराणिक शिव मंदिर के कर लिए, और साथ में जिया रानी की जो गुफा है उसके दर्शन हमने कर लिए हैं। अब आगे हम शनिदेव के मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पर नौ ग्रहों की प्रतिमाएं लगाई हुई हैं, उसके बारे में और वो भी देवभूमि उत्तराखंड आगे आपको दिखा रहा है। आइए चलते हैं मंदिर की ओर, वहाँ क्या क्या विशेष है आपको वो दिखाते हैं। ये जो नौ ग्रह हैं इनकी जो अलग अलग प्रतिमा है वह रखी है, ये श्री बृहस्पति देव हैं जिनकी प्रतिमा लगाई हुई है और उस पर लिखा हुआ है, पूरी जानकारी आपको दी हुई है। बहुत अच्छा लगा ये देख के कि जिस तरह से ये मंदिर है, आप यहाँ जाएँ ज़रूर। देवभूमि उत्तराखंड आप लोगों से रिक्वेस्ट करेगा और आप लोगों को सजेस्ट भी करेगा कि ऐसे मंदिरों में जाएं जहां आपको इन तरह के प्राकृत जो हमारी पूजा पद्धति हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिले और आप उनके बारे में और बारीकी से समझ सकें। हमारा लक्ष्य भी यही है दोस्तों, हमारा मेन विजन यही है कि हम आप लोगों तक हर वो जानकारी पहुँचाएं जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है। ये श्री सूर्यदेव का मंदिर है, आप इन सब नौ ग्रहों के मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये हैं श्री मंगल देव की प्रतिमा लगाई हुई है और लिखा हुआ है, उनका कलर लाल दिया हुआ है, कलर भी यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं जिस हिसाब से उनकी शैली होती है, शायद उसी हिसाब से कलर दिए हुए हैं। मैं इस बारे में तो कोई स्पष्ट पुष्टि अभी नहीं कर सकता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। और आगे हम आपको ले चलते हैं, इन देवता में किसी कोई भी लेबल नहीं लगा हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे, लेकिन सभी की पे प्रतिमाओं पे इस तरह के लेबल लगे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं और साथ में शनिदेव के जो हैं वो भी दर्शन कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको करा रहा हूँ दोस्तों ये थे नौ ग्रह। अब हम चलते हैं शनिदेव के दर्शन करने, आप देख पा रहे होंगे सामने प्रतिमा है शनिदेव की और श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे सामने। इस तरह से
इतने प्राचीन मंदिर और इनकी पूजा पद्धति आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा लगा मुझे जाके, और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा आप भी जरूर जाएं। और इस तरह से यहाँ पे आपको थोड़ा बगल में अगर आप जाएंगे प्रसाद भी मिल जाएगा, और साथ में ये जो परिक्रमा करते हैं हम शनिदेव की, उसका पूरा उसकी पूरी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सामने आपको प्रसाद मिल जाएगा, आप इस तरह से परिक्रमा करते हुए चारों तरफ से आगे जा सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो में, इस तरह से पूरा प्रांगण है जहाँ आप शनिदेव के जो दर्शन हैं उसके बाद परिक्रमा कर सकते हैं। और अलग अलग देवताओं की यहाँ पे प्रतिमाएं भी लगाई हुई हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं, और उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी दी हुई है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, और बहुत अच्छा लगा यहाँ जाके। और देवभूमि उत्तराखंड आप सभी से अनुरोध करता है कि ज़रूर आएँ रानीबाग में, और इस मंदिर के बारे में और जानकारी, और साथ में जो मुख्य विशेष यहाँ पे माँ जिया रानी का जो गुफा है, और साथ में जिया रानी से जुड़ी हुई जो कहानी है, जो उनका इतिहास है, उसके बारे में देवभूमि उत्तराखंड आगे वीडियो में आप लोगों को बताएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आप अगर आना चाहते हैं तो अगले साल जरूर आ सकते हैं। ये जिया रानी की पूजा पद्धति, जहाँ जिया रानी की प्रतिमा होती है, उसके बारे में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जरूर देखिए और जुड़े रहें, पूरा पूजा पद्धति को दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को। दोस्तों इस तरह से अलग अलग कई ऐसे मंदिर है, कई ऐसी पूजा पद्धति है जो यहाँ पर होती है, उसके बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा। अगर आप मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर मेला देखना चाहते हैं तो अगले साल आ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं इस मेले का। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आप मकर संक्रांति के इस मेले में गए हैं कभी, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपकी कोई यादें हैं आप उससे जुड़ी हुई, तो वो भी मेरे को ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर दें। दोस्तों जुड़े रहे देवभूमि उत्तराखंड के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ जो होगा उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ। जुड़े रहे देवभूमि उत्तराखंड के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद, भारत माता की जय।